नमो नमः मित्राणि। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने आपसे चर्चा किया था सीटेट के 2018 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। एक चीज आपको बता दें, संस्कृत भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण और अंग्रेजी भाषा शिक्षण में यद्यपि कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर है, तो आप जो हिंदी भाषा शिक्षण में हमारे वागेश पांडे सर के द्वारा जो YouTube चैनल के माध्यम से और क्लास में जो बताया गया है, उनके द्वारा बहुत वृहद व्याख्या की गई है। उनके चैनल को, उनके YouTube चैनल को अगर आप दो बार तीन बार देखेंगे तो भाषा शिक्षण से संबंधित आपको, हमें लगता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो उसके निवारणार्थ हम लोग सीटेट परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र और पुराने प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का संकलन करके उसकी बृहद व्याख्या देंगे, तथा कुछ मॉडल पेपर से संबंधित भी प्रश्नों को बना करके हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे, तथा जो भी अगर आपको समस्या होती है तो वागेश सर के वीडियो को दो बार तीन बार, एक बार हिंदी भाषा समझ करके, एक बार संस्कृत भाषा का शिक्षण समझ करके, दो तीन बार आप उसको देखिए। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने व्याख्या किया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कल चर्चा किए थे पांच प्रश्नों की, आज पुनः पांच प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, संस्कृत विषय ऐसा विषय है जिस प्रकार से माता कर गही केस करई जो घाता तऊ नहे तो उतारे माता, माता का बाल पकड़ करके बालक बार बार आघात करता है फिर भी माता उसको अपने हृदय से कभी भी नहीं उतारती है, उसी प्रकार से मातृभाषा हमारी, जो मातृभाषा की भी जननी है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा अत्यंत सरल है। व्याकरण में यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, व्याकरण में यदि नायाति वृथा भाष्य परिश्रम, यदि व्याकरण का समीचीन ज्ञान आपको है तो संस्कृत विद्या अत्यंत सरल हो जाती है, और यदि संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आपको नहीं है तो वही संस्कृत भाषा अत्यंत कठिन लगने लगती है। तो हम बीच बीच में आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी जो विषय आए हुए हैं उनको भी हम बताएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न, पहले प्रश्न के अंतर्गत आया है प्रश्न, एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाह अस्मिन अधिक प्रमादान आचरंती। एकस्याम समावेशी कक्षायाम, एक समावेशी कक्षा में बालाह बच्चे के द्वारा अस्मिन, अस्मिन माने इनमें से, इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से अधिक प्रमादान आचरन्ति। प्रमादान शब्दस्य अर्थः आलस्यः, अधिक प्रमाद करता है, अधिक आलस्य का आचरण करता है। किसमें? लेखने, लिखने में आलस्य करता है, भाषणे, भाष माने बोलने में, बोलने में प्रमाद करता है, आलस्य करता है, पठने, पढ़ने में आलस्य करता है, अथवा सर्वेष्वपि, अथवा सभी विषयों में आलस्य करता है। तो इसका समीचीन उत्तर होगा कि बालक जो है जब आलस्य का आचरण करता है तो आलस्य की स्थिति में आलस्य कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। आलस्य कुतो विद्या, आलस्य से विद्या कहाँ? तो विद्या के अंतर्गत ही लिखना, पढ़ना, बोलना ये सभी आते हैं, इसलिए आलस्य के होते हुए, आलस्य के उपस्थित रहते हुए वह बच्चा कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वे स्वपि, यह हमारा विकल्प सबसे सही चीन और सही माना जाएगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। व्याकरणम तावत् सैद्धांतिकम तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवंती कियत् पर्यन्तम समर्थयति। व्याकरणम तावत् सैद्धांतिकम, व्याकरण तब सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक होता है
व्याकरणं तावत् सैद्धांतिकं तथा च व्यवहारिकं भवतु। व्याकरण तब सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है। इति वचनम, यह वचन इस वाणी से भवान भवन्ति, आप कहाँ तक समर्थन अपना देते हैं। व्याकरण सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है, इस वचन का आप कहाँ तक समर्थन करते हैं। तो कहा गया कि पाक्षिक समर्थनम, किसी एक पक्ष का समर्थन आप करते हैं, अनंगीकार कि इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, पूर्ण समर्थनम अथवा पूर्ण समर्थन करते हैं, इदम इत्थम वक्तुम न शक्यते अथवा इसके विषय में कहने में आप समर्थमान नहीं हो सकते। तो कहा व्याकरण तभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक होता है इस बात का मैं पूर्ण समर्थनम पूर्ण समर्थन करता हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह हमारा संस्कृत व्याकरण जो होता है तो व्याकरण सैद्धांतिक और व्यवहारिक ही हुआ करता है, इसलिए इस पक्ष का हमारे द्वारा पूर्ण समर्थन किया जाता है। तृतीय प्रश्न हमारा दिया गया है कि मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम, मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए, मौखिक रूप से शाब्दिक भाषा के रूप में बताने के लिए कौन सी ऐसी पद्धति है जो योग्या नास्ति, योग्य नहीं है, उचित नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है काव्य पाठ, दूसरा है मुखामुखी प्रस्तुति ही, तीसरा है संकेत भाषा माध्यमेन, चौथा है स्वर प्रस्तुति ही। तो मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम, मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए का वा पद्धति योग्या नास्ति, कौन पद्धति उचित नहीं है। तो काव्य पाठ उचित है, क्योंकि काव्य को जब तक लय में गाया न जाए, छंदोबद्ध न किया जाए, रसों से युक्त न हो, तो वह काव्य हमारा काव्य नहीं माना जाता है। इसलिए काव्य पाठ, मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए काव्य पाठ का होना अत्यावश्यक है। दूसरा है मुखामुखी प्रस्तुति, जिसको कहा जाता है आई कांटेक्ट, जब अध्यापक विद्यार्थी से निगाह मिलाकर न पढ़ा सके या विद्यार्थी अध्यापक से निगाह मिलाकर पढ़ ना सके, तो वह मौखिक प्रस्तुतीकरण उचित नहीं माना जाता है। इसलिए मुखामुखी प्रस्तुति का भी होना जरूरी है। तीसरा है संकेत भाषा माध्यमेन, मौखिक पाठ के लिए संकेत भाषा के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। स्वर प्रस्तुति, स्वर की प्रस्तुति का भी होना आवश्यक है, क्योंकि मौखिक हमारा जो है प्रस्तुतीकरण हो रहा है, तो मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए क्या उचित नहीं है, तो इसके उत्तर के लिए आ जाएगा संकेत भाषा माध्यमेन, क्योंकि मौखिक प्रस्तुतीकरण में संकेत भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। मौखिक प्रस्तुतीकरण में काव्य पाठ, मुखामुखी प्रस्तुति ही तथा च स्वर प्रस्तुति ही, इत्येव त्रयः सामग्र्याः सहायकाः भवन्ति। मौखिक प्रस्तुतीकरणेषु संकेत भाषायाः न किंचित उपयोगं वर्तते, इसलिए आपका यही विकल्प इसमें अशुद्ध माना जाएगा। क्योंकि प्रश्न है मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन पद्धति योग्य नहीं है, उचित नहीं है। तो इसमें बताया गया काव्य पाठ भी उचित है, मुखामुखी प्रस्तुति भी उचित है, स्वर प्रस्तुति भी उचित है, केवल संकेत भाषा का जो माध्यम है यह मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए उचित नहीं। इसलिए प्रश्न में आया है योग्या नास्ति,
इस प्रकार के प्रश्न जो ना से संबंधित आते हैं, इसमें कभी कभी हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और पढ़ करके तब उसका समीचीन उत्तर दें। अगर इसी में होता कि अस्ति, तब एते सर्वे त्रयः विकल्पाः शुद्धाः भवत्, परंतु अस्मिन् प्रश्ने सन्निहितम यति का वा पद्धति योग्या नास्ति, कौन पद्धति योग्य नहीं है, तो इसमें होगा संकेत भाषा माध्यमेन, संकेत भाषा के माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है मौखिक प्रस्तुतिकरण में। इसी प्रकार से अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, विद्यार्थी उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायाम रुचि वर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। विद्यार्थी, अब यहां पर देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन का वाक्य, विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तरे और माध्यमिक स्तर पर भाषायाम रुचि वर्धनार्थम, भाषा में रुचि को बढ़ाने के लिए अपेक्षितम किम नाम, क्या अपेक्षित जो है सामग्री हमारे पास होनी चाहिए, क्या अपेक्षित होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि को बढ़ाने के लिए, कौन सहयोगी होता है, कौन अपेक्षित होता है, कौन उपयोगी होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें विकल्प दिया है, पहला विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम्, विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थिभ्यः विद्यार्थियों के द्वारा मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से अधिक विवरण देना चाहिए। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौखिक रूप में उत्तर दिया जाए, क्या यह उचित है। दूसरा विकल्प है अधिकम श्रुत लेखनम देयम्, अधिक श्रुत माने सुनना, लेख माने लिखना, सुनना या लिखना कौशल अधिक जो है यह उपयोगी है। कि तीसरा है व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम, व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाने से संबंधित कार्य देना उचित है। कि पुस्तकानि पठितुम सूचिता भवेयुः, कि पुस्तकों को पढ़ना और सूचित करना यह उचित है। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर रुचि को बढ़ाने के लिए भाषा, भाषायाम रुचि वर्धनाय, भाषा में रुचि हमारी तभी बढ़ेगी जब व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम, व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाने का हम कार्य करें। व्याकरणम यदि आयाति वृथा भाष्य परिश्रम, हमने आपको बताया कि व्याकरण यदि आता है तो भाषा में परिश्रम करना व्यर्थ है, और व्याकरणम यदि नायाति वृथा भाष्य परिश्रम, व्याकरण यदि नहीं आता है तब भी भाषा में प्रयास करना व्यर्थ है। क्योंकि अगर व्याकरण आएगा तो भाषा का विकास अपने आप होगा, भाषा आपको अपने आप आएगी, और अगर व्याकरण नहीं आ रहा है तो महाभाष्य जो व्याकरण का महाग्रंथ है, इस महाग्रंथ में फिर पार पाना बड़ा कठिन है। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए सबसे सहायक कारक, सबसे सहायक सामग्री व्याकरण ज्ञान को बढ़ाना है। इसलिए आपका विकल्प इस प्रश्न का सही होगा, तीसरा विकल्प ग। अब हम लोग पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकासनार्थम विकासार्थम मनुष्याणाम कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृ क्षीरम केन उक्तम। अब केन उक्तम में देखिए यहां पर संधि हुई है, केन धन उक्तम, केन धन उक्तम, तो यहां पर ना में अ है और इसके बाद उ आया है, यहां आद गुण हुआ है, आद गुण से अ और उ मिलकर के ओ आदेश हो गया, अवर्णा दज परे पूर्व परे को गुणादेश स्यात्, ये आद गुण की वृत्ति में है, अवर्णा दज परे पूर्व परे को गुणादेश
स्यात्। तो आदगुण सूत्र जो है ये गुणादेश करता है, गुण आदेश करता है, और आदेंग गुण जो होता है वो गुण संज्ञा करता है। कभी कभी हो सकता है कि इससे संबंधित भी भाषा से संबंधित गद्यखंड पदखंड दे करके ऐसा प्रश्न बना दे, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि संस्कृत में संज्ञा गुण संज्ञा विधायक सूत्र अगर पूछा जाता है तो आदेंग गुण है, और अगर आद गुण ये गुण संज्ञा नहीं करता है बल्कि संधि करता है, गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुण है, गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण। तो क्या संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों में मातृभाषा, मातृभाषा उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होती है यथा मातृ क्षीरम, जैसे माता का दूध, जैसे माँ का दुग्ध जो है बच्चे के विकास में आवश्यक होता है, उसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्य में मातृभाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर बचपन में माँ का दूध बालक को न मिले तो वह बालक कुपोषित हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसके शरीर का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो बालक के लिए माता का दूध ही वो पूर्ण आहार माना जाता है। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों को मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो कहा कि केन उक्तम, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, तो रायवर्ण के द्वारा यह वाक्य नहीं कहा गया है। महात्मा गांधी ये मातृपक्ष को स्वीकार करते हुए मातृदुग्ध की महिमा को अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इसमें भी इन्होंने जो है दिया है, तो महात्मा गांधी का यह वाक्य है, विवेकानंद का भी यह वाक्य नहीं है और न ही यह राजर्ष टंडन का वाक्य है, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह वाक्य कहा गया है। तो इस प्रकार से ये पांचों प्रश्नों का उत्तर हुआ। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आगे भी जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं भाषा शिक्षण से संबंधित या संस्कृत भाषा के गद्यखंड पद्यखंड से संबंधित, अभी तो भाषा शिक्षण से संबंधित हमें आपको प्रश्न बता रहे हैं, फिर उसके बाद गद्यखंड और पद्यखंड में भी, और आपको हमने जो बता दिया कि वागेश्वर का जो हिंदी शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण का जो टॉपिक है YouTube चैनल पर, वो आप देखें, दो बार तीन बार चार बार उसको आप देख करके पढ़ें, बहुत ही अच्छे सरस और सरल ढंगों में उन्होंने बताया है। तो उसको आप एक बार हिंदी का भाषा शिक्षण मान करके पढ़िए, एक बार संस्कृत भाषा का शिक्षण मान करके उसको दो बार तीन बार कम से कम आप पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी। और संस्कृत भाषा से संबंधित हम आपको प्रश्न पत्र का उत्तर करवाते चलेंगे, तत्संबंधित जो विधियों का प्रयोग किया गया है, जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, उसका भी हम सही तरीके से वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको ये हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों में भी उसको प्रसारित करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ त्रुटिवार्जन होता है तो उसको भी आप हमको बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः मित्राणि।